गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक इज़ हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे हम कहीं लोन लेने जाते हैं। अगर मैं बैंक से लोन लेने जाता हूँ तो उस केस में बैंक एक सिस्टम लगाता है जिसके बेसिस पे मेरा इस इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मैंने कितना पे करना है वो कैलकुलेट करता है। तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर होता क्या है, जैसे मान लो मैं एक कार लेने गया, कार की मैंने सबसे पहले डाउन पेमेंट पे की, डाउन पेमेंट पे करने के बाद बाकी मेरी इंस्टॉलमेंट बन गई 5 साल तक, मुझे हर महीने कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। जब मैं गाड़ी लेने गया, मैंने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट के साथ मैंने लोन का अप्लाई कर दिया। जब वो मुझे गाड़ी का डॉक्यूमेंट मिला, वो उस पर हाइपोथिकेशन लगी हुई थी बैंक की। हाइपोथिकेशन मतलब आरसी का नाम, आरसी के ऊपर नाम लिखा हुआ था बैंक का कि ये बैंक ने हाइपोथिकेशन की हुई है, बैंक ने इस पे पैसा दिया हुआ है। तो बैंक की गाड़ी है, ऑनरशिप बैंक के पास, हमारे पास खाली पोजीशन है, मतलब हम उसे चला सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं अगर कुछ कुछ भी होता है। बाकी सारी जिम्मेवारी हमारी है, बट बैंक को अगर टाइमली पैसा नहीं पे किया तो उस केस में बैंक हमसे गाड़ी ले जाएगा। तो बैंक क्लियरली मेंशन करता है कि हमारा जो सिस्टम है हायर परचेज सिस्टम है, आप पहली डाउन पेमेंट कर रहे हो, बाकी इंस्टॉलमेंट्स पे करो, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तो गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र की जाएगी, मतलब ऑनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफ़र की जाएगी। तो इनिशियली ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती आपके नाम पे। और एक पहले सिस्टम चलता था जो अब नहीं चल रहा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पहले क्या होता था कि लोगों को बोला जाता था कि भाई ख़रीद लो सामान, दुकानदार कहते थे कि सामान ख़रीद लो हमसे, चाहे पेमेंट बाद में दे देना, धीरे धीरे करके दे देना। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों ही इंस्टॉलमेंट पे चल रहे हैं। हायर परचेज सिस्टम कहता है कि आप पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट पे, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो ऑनरशिप लास्ट में मिलेगी, आपको पहले ऑनरशिप नहीं मिलेगी, आपको पोजीशन मिल रही है। बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में आपको शुरू में ही ऑनरशिप मिल जाती है, शुरू में ही ऑनरशिप भी मिल जाएगी, पोजीशन भी मिल जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में सेलर को बड़ा नुकसान होना शुरू हो गया। अगर कोई भी पर्सन डिफ़ॉल्ट करता था तो इनके पास एक ही रास्ता था उस पैसे को कलेक्ट करने का, केस फाइल करना, और कोई ज़रिया नहीं था। तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, कोई अप्लाई नहीं करता। हमारा हायर परचेज सिस्टम चलता है हर जगह। तो आगे डेफिनेशन देखते हैं, हायर परचेज सिस्टम क्या होता है। पेमेंट फॉर द एसेट्स परचेज इज़ मेड इन इंस्टॉलमेंट एंड द ऑनरशिप इज ट्रांसफर एट द टाइम व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। इसके अंदर आपको शुरू में पोजेशन मिलता है, जब आप सारे इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो तो ऑनरशिप भी मिल जाती है। हाँ, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर पेमेंट फॉर द एसेट परचेज इज मेड इन इंस्टॉलमेंट बट द ऑनरशिप इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट करते हो उसी टाइम आपको इसमें ऑनरशिप मिल जाती है। तो ये बहुत पुराना सिस्टम है, ये कोई नहीं अप्लाई करता। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होना चाहिए। डाउन पेमेंट क्या होती है, मैंने गाड़ी परचेज़ की 5 लाख की, जिसमें मैंने 1 लाख अपना पे किया। जो मैंने इनिशियली एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन एग्रीमेंट कुछ भी पे किया, डैट इज़ डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या होता है, इनिशियल पेमेंट मेड बाय द परचेजर एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद कैश प्राइस क्या होता है, कैश प्राइस का मतलब क्या होता है। देखो कैश प्राइस का मतलब होता है, जैसे राम बंदा है, राम गाड़ी देता है कैश पे, गाड़ी की वैल्यू 5 लाख है तो जाके बैंक को दे देता है 5 लाख रुपए, डेट इज कैश प्राइस। कैश प्राइस मतलब वैल्यू ऑफ कार। बट एक शाम पर्सन है जो गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदता है, तो गाड़ी उसे पड़ती है 5 लाख की, तो गाड़ी की वैल्यू है प्लस 90,000 उस पर इंटरेस्ट लग जाता है, तो
तो वो 5,90,000 शाम को गाड़ी पड़ी। तो कैश प्राइस का मतलब ये है कि जितनी वैल्यू है, जितनी कॉस्ट है उस कार की, डैट इज़ कैश प्राइस। अगर मैं कैश में ख़रीदना देता हूँ, अगर मैं चेक देता हूँ जाके वहाँ पे, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, डैट इज़ कैश प्राइस। इट इज़ द प्राइस ऑफ एसेट इफ परचेज ऑन कैश बेसिस इफ द एंटायर पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राम ने कैश बेसिस पे ख़रीदा था, बट शाम ने हायर परचेज सिस्टम पे ख़रीदा था। शाम को 5,00,000 तो पे करने पड़े, साथ में शाम को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा। तो मतलब कैश प्राइस कितना था उस गाड़ी का, 5,00,000 रुपये, और इंटरेस्ट कितना लगा था, 90,000। तो टोटल शाम को गाड़ी कितने की पड़ी थी, 5,90,000 रुपये। तो इसके अंदर डाउन पेमेंट समझ आ गई आपको, कैश प्राइस समझ आ गया, और हायर परचेज प्राइस आ गया। अब इसमें नेक्स्ट है, क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं इन द बुक्स ऑफ बायर एंड सेलर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर हायर परचेज सिस्टम। पहले हम हाई वैल्यू से आइटम्स करते हैं। हाई वैल्यू आइटम के अंदर हमने सेलर और परचेजर की बुक्स करनी है। इसकी बुक्स में एंट्रीज क्या क्या होंगी, परचेजर की बुक्स में, हायर परचेजर। हायर परचेजर एक एसेट परचेज करके लेके आया, तो एंट्री क्या होगी, एसेट आ गया, टू किस से आया, हायर वेंडर से, सेलर से। ये इसके अंदर अमाउंट आएगा कैश प्राइस, मतलब 5,00,000 रुपये, क्योंकि एसेट की वैल्यू 5,00,000 ही है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी एसेट खरीदते हैं तो डाउन पेमेंट करते हैं, तो इसने भी की होगी। इसने हायर वेंडर को, सेलर को पैसा दिया होगा, हायर वेंडर टू कैश, इससे चला गया डाउन पेमेंट। अब इसे इंटरेस्ट पड़ेगा हर साल का, इंटरेस्ट जितना भी बनेगा वो इसका खर्चा है, तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। टू, इंटरेस्ट किसे पे करना है, हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, वेंडर को पे करना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जब साल का एंड आएगा तो ये इंटरेस्ट भी पे कर देगा साथ में, इंस्टॉलमेंट के साथ, जो इसने प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है उसके साथ इंटरेस्ट पे करके इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो इंस्टॉलमेंट जब ये पे करेगा तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब ऑनरशिप इसके पास, यहाँ पे गाड़ी इसके पास ही है, कोई भी खर्चा ही करेगा, रिपेयर यही कराएगा, कुछ भी कराएगा, बुक्स में डेप्रिसिएशन भी यही क्लेम करेगा, तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन टू एसेट। अब लास्ट में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का अमाउंट। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, ये P&L में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये आपकी एंट्री थी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अब हायर सेलर अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, जो बेचने वाला पर्सन है वो एंट्री बुक्स में क्या करेगा अपनी, ये क्या करेगा, डेटर खड़ा कर देगा हायर परचेजर को टू सेल, ये कहेगा कि बिक गया सामान। जब ये इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तो ये कहेगा कैश आ गया हायर परचेजर से। अब इंटरेस्ट इसकी इनकम है, इंटरेस्ट ये क्रेडिट कर देगा हायर परचेजर को, डेबिट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जब इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेजर, इंटरेस्ट इसकी इनकम है, P&L में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये एंट्री आपका सेलर करेगा। अब इसके अंदर टॉपिक आता है एक इंटरेस्ट का, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरेस्ट का। छोटा क्वेश्चन बनता है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके कुछ टॉपिक्स हैं वो एक बार समझने हैं। देखो हायर परचेज सिस्टम के अंदर हम इंटरेस्ट का टॉपिक कर रहे हैं। इंटरेस्ट के टॉपिक के अंदर पहला केस आएगा When installment are inclusive of interest, जब आपको installment दी होगी बट उसके अंदर interest include होगा,
और कैसे पता लगेगा इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, क्योंकि मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, कैश प्राइस जो उस कार की वैल्यू है, और हायर परचेस प्राइस जितना हम पे कर रहे हैं। अगर हम पे ज़्यादा कर रहे हैं इसका मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। जैसे कि कैश प्राइस, कोई एसेट की कैश प्राइस 128494, पेमेंट आप कर रहे हो 2000 रुपये उसी टाइम, बाकी आप 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे 4000 की। इसका मतलब आपने कितना पे किया, 4000 3 बार, 12000 और 2000, टोटल 15000 पे कर दिया। और सामान कितने का है, 12800 कुछ का। तो जितना आपने ज़्यादा पे किया है वो हमारा क्या है, इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। अब इसे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, देखो इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग वैल्यू पे निकलता है। हमारे पास सामान खरीदा था हमने 12000 का, जिसमें से उसी टाइम हमने पे कर दिया था 2000 रुपये, बट आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 10800। इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5%। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया 545। बट हम हर साल कितना पे करेंगे, हर साल तो हम 4000 ही पे करेंगे ना। 4000 जो हमारी इंस्टॉलमेंट है इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड था। अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट हटा देता हूँ तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो ख़त्म होगा। ये हमारा आउटस्टैंडिंग जितना बच रहा है वो हमारा कम होता जाएगा। अब सेकेंड ईयर का जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहले साल का जो भी कैश प्राइस हम पे कर चुके हैं वो माइनस करने के बाद जो आउटस्टैंडिंग बचेगा वो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। वही सेम प्रोसेस है, 4000 में से लेस करोगे, सेकेंड ईयर का कैश प्राइस इतना गया। जब हम थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में जो बैलेंस अमाउंट है, जब लास्ट ईयर का आप कैलकुलेट करोगे तो आप ये सीधा ही निल कर दोगे, क्योंकि हमारे पास इंस्टॉलमेंट 3 है, 3 इंस्टॉलमेंट है। अगर आप इसमें 5% लगाओगे तो 190 के अराउंड आ जाएगा, बट यहाँ पे 1 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो लास्ट ईयर हमेशा इस कैश प्राइस को निल कर दिया करो। 4000 में से आप कैश प्राइस निल करोगे तो उसके बाद बैलेंस ही आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। ये हमारा पहला टॉपिक है इंटरेस्ट का, व्हेन इंस्टॉलमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट इंक्लूड होता है इंस्टॉलमेंट के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, बट सेकेंड क्वेश्चन है क्या, देखो, व्हेन देयर आर डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बट इंस्टॉलमेंट आर इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप देखोगे दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। ये कह रहा है इंस्टॉलमेंट अलग अलग है, ठीक है, वहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेम थी, वहाँ पे 4000 ईच थी, बस ये फ़र्क है दोनों में। करने का बेसिस सेम है, ये आप कैलकुलेट करोगे और अपना आंसर मैच कर लोगे इससे। नेक्स्ट है थर्ड केस, व्हेन इंस्टॉलमेंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। जो इंस्टॉलमेंट दी हुई है, इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें क्वेश्चन से समझना है कैसे इंटरेस्ट नहीं है। अब जैसे सिचुएशन आपको दी हुई है कि कैश प्राइस हमारा है 10000, बट हम पे कितना कर रहे हैं, 4000 यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी हम 3 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। अगर आप देखोगे 3 इंस्टॉलमेंट, 6000 ये हो गए, 4000 ये, 10000 तो कैश प्राइस ही है। कहता है 2000 के साथ इंटरेस्ट भी पे करोगे आप, इनके साथ आप इनका इंटरेस्ट भी पे करोगे। तो इंटरेस्ट जब पे करोगे तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही है, इंटरेस्ट का रेट 5% है। हमने सामान कितने ख़रीदा, 10000 का, 4000 की डाउन पेमेंट की है, बाकी जो बैलेंस अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 6000, 6000 पे आप 5% लगाओगे जो कि 300 बनता है, ठीक है। और 2000 का कैश प्राइस है,
दोनों को मिला के आप इंस्टॉलमेंट बना लो। सेकेंड ईयर का जब आप निकालोगे तो उस केस में पहले साल का तो कैश प्राइस चला गया 2000 रुपये, बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग रहा 4000, उस 4000 पे 5% लगाओगे आप 200 रुपये, 200 प्लस कैश प्राइस 2200 रुपये आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। जब तीसरे साल का आप निकालोगे तो उस केस में दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट जो हम पे कर चुके हैं माइनस करने के बाद, इस पे आप 5% लगाओगे 100 रुपये बनेगा, 2000 तो आप कैश प्राइस पे करते आ रहे हो, तो 2100 की इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो तीन टॉपिक बिल्कुल सिंपल हैं। नेक्स्ट है टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट इज नॉट गिवन। हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो उस केस में कैसे करेंगे। सिचुएशन आपको दिया है, कैश प्राइस दिया 15000 रुपये, पेमेंट आपको दी हुई है डाउन पेमेंट 1500 रुपये, बाकी आप 5 इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे 3000 के हिसाब से। अब पहले ये देखो कितना पे कर रहे हो, 3000 × 5 15000 और 1500, मतलब हम पे कितना कर रहे हैं 15000 प्लस 1500। हायर परचेज प्राइस कितना है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, 1500 ये आपकी डाउन पेमेंट है ये वाली, और बाकी जो बैलेंस है 5 इंस्टॉलमेंट 3000 की, ये 16500 हमारा टोटल बनता है, ये हमारा हायर परचेज प्राइस है। बट कैश प्राइस कितना है 15000, इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया है वो हम हर साल में बायफ्रिगेट करें, हर साल में कैसे बायफ्रिगेट करना है, अकॉर्डिंग टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट। पहले साल के अंदर मतलब पहले साल के एंड के अंदर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था 15000, कैसे था 16500 हायर परचेज प्राइस था, जिसमें 1500 तो ऑलरेडी दे चुके हैं ना, 16500 में से 1500 हम पे कर चुके हैं, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा 15000। उसके बाद सेकेंड ईयर में ये 3000 रुपये हम पे करते आ रहे हैं, तो 12000, 9000, 6000 और ये 3000, ये जो आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकाला है इसकी रेशियो बनाओगे 3000 से पूरे वैल्यूज को काट दोगे, ये बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, इसकी रेशियो बनाओगे टोटल करोगे 15 आएगा, रेशियो बनाओगे 1500 को बायफ्रीगेट कर दोगे, रेशियो कैसे बनेगी 5/15 × 1500, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 4/15 × 1500, 3/15 × 1500, 2/15 × 1500, 1/15 × 1500, तो ये हर ईयर का आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस व्हेन इट इज नॉट गिवन। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यही पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस व्हेन इट इज नॉट गिवन। कैश प्राइस नहीं दिया हमें कैलकुलेट करना है तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो कैश प्राइस हमें नहीं दिया हुआ, पेमेंट हमें पता है कितनी कर रहे हैं हम, पेमेंट कर रहे हैं हम डाउन पेमेंट तो 1500 रुपये पे कर रहे हैं, बाकी 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 6-6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट जा रही है, और 2000 के हिसाब से, और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो साल का है 6%, तो 6 महीने का हाफ हो जाएगा 3%, ठीक है।
आपको मैं एक चीज समझा दूं, ये चीज यहां से क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे हम कोई चीज लेके आते हैं, जैसे हमने 10,000 का एसेट खरीद लिए, यहाँ पे इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा 6,000। शुरू में इंटरेस्ट जो अमाउंट होता ना, वो ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स पे लगता, जैसे 3 पे लग गया, फिर 2 पे लग गया, फिर 1 पे लग गया। मतलब जैसे जैसे हम पे करते रहते हैं अमाउंट, कैश प्राइस पे करते रहते हैं, वैसे वैसे इंटरेस्ट कम होता रहता है। एट द एंड ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट 1 पे इंटरेस्ट लगता है। तो हमने कैश प्राइस निकालने के लिए लास्ट इंस्टॉलमेंट से चलना है, हम पीछे रिवर्स से चलेंगे। रिवर्स से चलेंगे तो उस केस में क्या है, हमें पता है कि हम इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहे हैं, 2,000 रुपये। अब इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब कोई भी अगर अमाउंट इंक्लूड होता है किसी अमाउंट के अंदर, तो उस केस में फॉर्मूला हमें पता है, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट होता है। फॉर्मूला क्या होता है, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। जब भी किसी अमाउंट के अंदर कैश प्राइस और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उस अमाउंट के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड है, तो फॉर्मूला आएगा रेट, रेट 3 है, हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। इसमें आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकल आएगा, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 2,000 है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, कैश प्राइस। मैंने आपको बताया था कि लास्ट इंस्टॉलमेंट, जैसे कि 4th इंस्टॉलमेंट पे 1 पे इंटरेस्ट लगेगा। जब हम इसके पीछे आएंगे 3rd इंस्टॉलमेंट पे, 3rd इंस्टॉलमेंट पे 2 पे इंटरेस्ट लगेगा। 2 पे मतलब 2,000 पे तो लगेगा, प्लस इस पे भी लगेगा, यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट्स हो गई। उस पे फॉर्मूला आएगा रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ये आपका अमाउंट आएगा 115 इंटरेस्ट का। आपको हर साल इंस्टॉलमेंट तो 2,000 ही पे करनी है, तो ये आपका कैश प्राइस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में सारी इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट लगेगा, पिछली, दूसरे पे भी लगेगा, तीसरे पे भी लगेगा, चौथे पे भी लगेगा। तो कैसे लगेगा, दूसरे वाली इंस्टॉलमेंट तो 2,000 है, और तीसरे वाली ये आ गई, और चौथे वाली आपकी ये वाली आ गई। सब पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और फॉर्मूला क्या होगा, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। तो इसमें से माइनस करने के बाद ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। जब पहली इंस्टॉलमेंट है, उस पे सब पे इंटरेस्ट लगेगा, पहले साल से लेके चौथे साल तक। पहले साल का तो ये रहा, दूसरे साल का 1,830, तीसरे साल का 1,885, चौथे साल का ये, सबको कंबाइन करके इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ये आपका आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में से आपने इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस किया, ये आ गया कैश प्राइस। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कैश प्राइस आ गया। इनिशियल स्टार्टिंग के अंदर हमने 1,500 और दिए थे, वो भी कैश प्राइस ही होगा, तो टोटल करके हमारा कैश प्राइस इतना निकला है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब कैश प्राइस निकालते हैं तो कैसे निकालना है, रिवर्स हमने जाना, पीछे से कैलकुलेट करना, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लोन पे होता रहता है, वैसे वैसे इंटरेस्ट कम होता रहता है। तो लास्ट से शुरू करोगे, लास्ट में 1 इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट लगेगा, सेकंड पे 2 पे, थर्ड पे 3 पे, ऐसे कैलकुलेट होगा आपका। इसी का एक और पार्ट है, 5th का बी पार्ट। कई बार क्वेश्चन कहता है ईयरली रेस्ट, 2 साल के बाद आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी, तो उस केस में क्या करना है। कंपाउंड ईयरली बोला होगा, कंपाउंड 2 ईयरली बोला होगा,
या टू ईयरली रेस्ट बोला होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा। कैश प्राइस आपने निकालना है, डाउन पेमेंट 20,000, 16,300 पहली इंस्टॉलमेंट, 14,200 दूसरी, 12,100 तीसरी। कहता है रिस्पेक्टिवली एट द ईयर ऑफ इंटरवल ऑफ टू ईयर, दो साल के गैप के बाद आपने ये पे करना है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% बताया हुआ है एट ईयरली रेस्ट। तो हमें पता है कि अगर मैं 100 रुपये आज लगाता हूँ तो ये 100 रुपये 2 साल बाद कितना होगा, मतलब 100 रुपये मैंने आज लगाया तो 10 का इस 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू इतनी हो गई, फिर इस पर इंटरेस्ट लगेगा, इस पर जो इंटरेस्ट लगा टोटल करके मेरा अमाउंट इतना बन गया। तो 100 रुपये का अमाउंट ये बन गया, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना होगा, 21 रुपये। तो आपने कंपाउंड वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अब इंटरेस्ट का अमाउंट 21% है, बाकी सब कुछ सेम है। जो आप कैलकुलेट करोगे कंपाउंड वाला 21% के बेसिस पर करोगे, 21 जोड़ 121, अगर क्वेश्चन में ईयरली रेस्ट किया हो, बाकी सारा का सारा कैलकुलेशन सेम है। नेक्स्ट है केस 6, एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड के अंदर कैश प्राइस निकालना है। एन्यूटी मेथड का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू जो हम पे करेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, तो ये आपने निकालना है। इंस्टॉलमेंट जितनी होगी उस पर आपको एन्यूटी फैक्टर दिया होगा, ठीक है, और डाउन पेमेंट प्लस कर दोगे ये कैश प्राइस आ जाएगा। जैसे कि मिस्टर राम ने परचेस किया मशीनरी ऑन हायर परचेस सिस्टम, 20,000 हर साल पे करता है 10 साल तक, 5% इंटरेस्ट के बेसिस पे। प्रेजेंट वैल्यू है कि 1 रुपये की अगर 10 साल के बाद देखी जाए 5% के बेसिस पे तो 7 point something बनता है। तो आपने क्या करना है, आपने करना 20,000 इंस्टॉलमेंट यहाँ रखनी है, मल्टीप्लाई बाय एन्यूटी फैक्टर, ये आपका कैश प्राइस आ जाएगा। डाउन पेमेंट अगर होता इसके अंदर तो मैं इसके अंदर ऐड कर देता। तो ये 2 questions हैं आपने करने और इसके आंसर्स यहाँ पे दिए हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है, क्योंकि पहले आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझ आएगी, उसके बाद ही आपको आगे क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं, हमने करना क्या है, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू हायर परचेज सिस्टम, परचेजर है राम एंड कंपनी, सेलर है श्याम एंड कंपनी, मशीनरी खरीदी है 1 June 2013 पे खरीदी है, कैश प्राइस ये है, 2000 उसी टाइम पे कर दिया एट द टाइम ऑफ साइनिंग एन एग्रीमेंट, मतलब डाउन पेमेंट, बाकी जो बैलेंस है वो आप 3 installments में पे कर रहे हो 2000 each, और आपका ईयर एंड होता है जो आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट जाती है 31 को ही जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 20% रिटर्न डाउन वैल्यू के बेसिस पर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जर्नल एंट्रीज बनाओ, प्रिपेयर करो नेसेसरी लेजर्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द कंपनी, और हमारा अकाउंट्स क्लोज होता है, बैलेंस शीट बनती है 31 दिसंबर को। सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, हमें कैश प्राइस दिया हुआ है, उसी टाइम डाउन पेमेंट 2000 रुपये की है, माइनस करने के बाद जितना आउटस्टैंडिंग बचा है उस पे आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट 545। हम 4000 पे कर रहे हैं हर साल, हर साल 4000 3 बार पे करेंगे, इस इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करोगे कैश प्राइस, ठीक है। अब इतना तो कैश प्राइस पे कर चुके हैं, जो पे कर चुके हैं तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई, बाकी आउटस्टैंडिंग कितना बच गया 7439, इस पे कैलकुलेट करोगे 372 इंटरेस्ट बनेगा, 4000 में से लेस करके
ये कैश प्राइस है जो हम पे कर चुके हैं, वो भी माइनस करने के बाद लास्ट बचेगा। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हमेशा हम रेट नहीं लगाते, इसे निल कर देते हैं, तो इसका मतलब कैश प्राइस भी यही होगा। तो ये निल हो गया, कैश प्राइस है तो इंटरेस्ट आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है जो हमने सीखी है, इसके अंदर क्या क्या बनाना है। इन द बुक्स ऑफ बायर, राम एंड कंपनी बायर है, बायर की बुक्स में एसेट का अकाउंट मशीनरी का, सेलर की बुक्स में, बायर की बुक्स में सेलर का अकाउंट शाम एंड कंपनी, सेलर की बुक्स में बायर का अकाउंट ही बनेगा बस। अब देखो एंट्रीज, पहले साल की एंट्रीज हमने की थी। जब भी हम कोई सामान लेके आते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंटर। तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंटर मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंटर, कितने का ख़रीदा, कैश प्राइस अमाउंट कितना है, 12894। उसी टाइम हमने 2000 रुपये शाम को पे कर दिए, शाम टू कैश 2000 रुपये पे कर दिए। बाकी हमारा इंटरेस्ट इनकम खर्चा है हमारा, क्योंकि हम बायर है तो खर्चा डेबिट होगा, तो यहाँ इंटरेस्ट डेबिट हो गया और शाम क्रेडिट हो गया। ये 3 साल के इंटरेस्ट है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं, 545, 372 and 189। तो ये इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया 3 साल के। शाम को हर साल कितना पे करोगे, 4000 रुपये हर साल शाम को इतना ही पे करोगे, क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट 4000 है। अब बुक्स में डेप्रिसिएशन कितनी क्लेम करोगे, डेप्रिसिएशन को क्या क्लेम करोगे वो मैं आपको यहाँ पे ही समझा देता हूँ। मशीनरी अकाउंट में पहली एंट्री गई है मशीनरी टू शामन कंपनी, यरी इस पर 20% लगाओगे तो ये आपका 2579 होगा, बाकी बैलेंस कैरेट डाउन, फिर ब्रॉड डाउन, फिर इस पे लगाओगे 20% तो ये आएगा, फिर बैलेंस कैरेट डाउन, फिर ब्रॉड डाउन, इस पे लगाओगे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 1650 आएगा, बाकी बैलेंस कैरेट डाउन। तो ये आपको डेप्रिसिएशन के अमाउंट कैलकुलेट किए हैं, 2579, 2063 and 1650। परचेसर अपनी बुक्स में दो खर्चे क्लेम करेगा, एक तो इंटरेस्ट का खर्चा और एक डेप्रिसिएशन का, ये P&L में बुक कर लेगा। अब इससे हमने लेजर कैसे बनाने, मैंने आपको मशीनरी का तो लेजर समझा ही दिया, अब हमने इसका शाम का लेजर बनाना है वो समझा। शाम का लेजर बनाएंगे, बिल्कुल सेम कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये जर्नल एंट्रीज। शाम का लेजर बनाएंगे तो जहाँ भी शाम लिख रहे हैं, यहाँ पे शाम लिख रहे हैं, यहाँ पे शाम लिख रहे हैं, ये शाम है, यहाँ पे शाम है, देखो बाय मशीनरी, ठीक है, शाम को जो डाउन पेमेंट पे की है 2000 की वो यहाँ पे आ गई। इंटरेस्ट इसका खर्चा है, इंटरेस्ट टू शाम तो बाय इंटरेस्ट, और जो आपने इंस्टॉलमेंट पे किया है ये इंस्टॉलमेंट ईयरली, ईयर एंड में इतना बैलेंस बच गया। तो उसके बाद ये ब्रॉड डाउन हो गया, ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट कितना लगा, 372। आप डायरेक्टली इस पे भी लगा सकते हो 5%, या जाएगा 4000 इंस्टॉलमेंट्स पे की, बाकी बैलेंस कैरेट डाउन, इस बैलेंस कैरेट डाउन पे इंटरेस्ट शो करोगे, ये आपका पे कर दोगे, ये हमने पे कर दिया सारा कुछ। ये हमने दो अकाउंट किए हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर, हायर परचेज अकाउंट के अंदर हमने मशीनरी का अकाउंट पे किया और शाम का अकाउंट बनाया। अब हमें सेलर का अकाउंट बनाना है, सेलर की बुक्स बनाएंगे तो उस केस में सेलर की बुक्स में मतलब शाम एंड कंपनी की बुक्स के अंदर हमें राम एंड कंपनी का अकाउंट बनाना पड़ेगा।
तो इसकी एंट्री हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जब ये सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगा, रामेन कंपनी टू हायर सेलर, ये होगा। तो रामेन कंपनी टू हायर सेल, जब ये डाउन पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो कैश टू राम, तो बाय कैश टू राम डाउन पेमेंट। इंटरेस्ट इनकी इनकम है तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। जब ये इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहे हैं 4000 की, तो इंस्टॉलमेंट रिसीव किया इन्होंने 4000 की, बाकी बैलेंस कैरेट डाउन फिर ब्रॉट डाउन। फिर इंटरेस्ट लगाओगे आप, इंस्टॉलमेंट उसे पे कर दोगे 4000 की, बाकी बैलेंस कैरेट डाउन फिर ब्रॉट डाउन, फिर इंटरेस्ट रिसीव करेगा ये और बाकी आप इसे पैसा दे दोगे। मतलब कहने वाली बात यह है कि जो आपने ये अकाउंट बनाया है इसका ऑपोजिट अकाउंट है दूसरा, सेलर की बुक्स में बायर का अकाउंट। डेबिट वाली एंट्री क्रेडिट में डाल दो, क्रेडिट वाली एंट्री डेबिट में डाल दो। तो आपने ये वाला फर्स्ट लेक्चर में ये करना है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो ये कंप्लीट कर लेना अपने क्वेश्चंस।